बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता मोम दीप मेरा, जो कि सुख का साथी काव्य संग्रह से लिया गया है, ये आपके सिलेबस में है सेमेस्टर टू में। माखनलाल चतुर्वेदी को उपाधि दी गई थी एक भारतीय आत्मा कहकर। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उसमें स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की बात कही गई है, यानी ये कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो समष्टि के लिए हो, यानी समाज के हित के लिए हो, समाज के परोपकार के लिए हो। और अपनी इस कविता में भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति का जीवन है वो दीपक की तरह है, जो खुद जलता है और खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। कभी कभी आपको कविताओं का सारांश लिखने के लिए बोला जाएगा या कविता का संदेश लिखने के लिए बोला जाएगा, तो जरूरी है कि आप हर कविता, जो भी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है, सिलेबस में है, उसके मूल बात को, उसके सारांश को, उसके संदेश को आप जरूर समझें ताकि आप लिख पाए। आज हम बात करेंगे मोम दीप मेरा इस कविता की, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कितना बेबस है पर जीवन का रस है यह। उन्होंने कहा है कि दीपक का जो जीवन है वो बिल्कुल ही बेबस है, और लेकिन वो इसी बेबसी को जीवन का रस मानता है, जीवन का मूल भाव मानता है। क्षण क्षण पल पल बलबल, यानी प्रति क्षण प्रति पल और हर घड़ी हूं रहा सवेरा, वो खुद को मिटाता है और मिटाकर किस ओर बढ़ रहा है, वो सवेरे की ओर बढ़ रहा है। दीपक धीरे धीरे जलता है, अपने आप को खत्म करता है, रोशनी फैलाता है, और रात बीतते जाती है और हम कहाँ बढ़ते जाते हैं, सवेरा की तरफ। तो धीरे धीरे हम सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना अस्तित्व भूल, अस्तित्व मतलब क्या है, आपका होना, दीपक का अस्तित्व क्या है, दीपक का होना। दीपक अपना अस्तित्व भूल जा रहा है, उसे क्या कष्ट है, उसका जलना, उसके जलन की प्रक्रिया, उसका मिट जाना, उसका खत्म हो जाना, ये सारी पीड़ा वो भूल जा रहा है। और भूल कर वो क्या कर रहा है, सूरज को टेरा, वो सूरज को पुकार रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता है, दीपक का क्या उद्देश्य है कि उसके आसपास अंधकार ना रहे, उसके आसपास ज्ञान का प्रकाश हो, अपनेपन का प्रकाश हो, और इसलिए वो खुद को मिटा देने के लिए तैयार है और खुद को भुला कर वो सूरज को पुकार रहा है, मोम दीप मेरा। ये एक अनुच्छेद है उस कविता की। हम दूसरे अनुच्छेद की बात करते हैं। कितना बेबस दिखा इसने मिटना सीखा। कवि कहते हैं कि जो दीपक है वो बिल्कुल ही बेबस दिखता है, वो बिल्कुल अपने सुख और दुख से निरपेक्ष है, तटस्थ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसने मिटना सीखा, इसने सिर्फ एक ही बात सीखी है और वो क्या है, मिट जाना, खत्म हो जाना दूसरों के लिए। कहीं ना कहीं वो दीपक से भगवान राम की तुलना कर रहा है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में कष्ट झेले ताकि समाज एक व्यवस्थित दिशा में गतिशील हो सके, समाज की सारी प्रक्रिया सही हो सके, सत्य की जीत हो सके, न्याय की जीत हो सके। तो इसने कवि का दूसरा जो अनुच्छेद है इस कविता का वो है, कितना बेबस दिखा इसने मिटना सीखा, रक्त रक्त बिंदु बिंदु, यानी इसके, इसका रक्त क्या है, इसके अंदर तो तेल है, तो रक्त का बिंदु बिंदु यानी तेल का बूंद बूंद झर रहा प्रकाश सिंधु, हर बूंद तेल से प्रकाश का समंदर फैल रहा है, यानी प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, कोटि कोटि बना व्याप्त छोटा सा घेटा, यानी कह रहे हैं कि दूर दूर तक इसकी रोशनी, इसका प्रकाश जा रहा है, देखने में जो इतना छोटा दिख रहा है, इसकी रोशनी का समंदर, रोशनी का समुद्र दूर दूर तक जा रहा है, मोम दीप मेरा। कवि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इस दीपक के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज के कल्याण में, समाज की भलाई में, उसकी उन्नति में अपना जीवन लगाना चाहिए, जिस तरह से ये दीपक अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म कर रहा है। धन्यवाद।